इसे कोरी अफवाह कहें या आस्था या फिर अंधविश्वास, मंदिरों में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिल रहा है। विज्ञान इसे अंधविश्वास मानता है तो आस्था इसे चमत्कार कहती है। दरअसल सिवनी मालवा के कई शिवालय में विराजमान नंदी की प्रतिमा चढ़ावे का जल पीने लगी है। इस वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि शनिवार सुबह से ही यहाँ देखा जा रहा है कि मंदिरों में स्थित प्रतिमाएं जल ग्रहण कर रही हैं। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। खबर मिलते ही श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से पहुँच रहे हैं। भक्तगण चम्मच में दूध और पानी को रखकर भगवान के मुँह के समक्ष रख रहे हैं और चम्मच से कुछ ही पल में दूध और पानी खत्म हो जा रहा है। नगर के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। जिसने भी सुना कि महादेव के गण नंदी दूध पी रहे हैं, वही मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। नंदी के दूध पीने की सूचना शहर से लेकर देहात तक जंगल की आग की तरह फैली तो मंदिरों में भीड़ लग गई। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में पूरे दिन इसी की चर्चा होती रही और शहर से लेकर देहात तक के मंदिरों में दूध पिलाने वालों की लाइन लग गई। हालांकि जानकार इसे महज अफवाह ही बता रहे हैं। सिवनी मालवा के सभी बड़े एवं छोटे मंदिरों में नंदी को दूध पिलाने के लिए पूरे दिन लोगों की भीड़ जुटी रही। इसे लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा होती रही। कहीं जल चढ़ाने पर गायब होने की चर्चा के बाद दूध पिलाने वाले उमड़े तो कहीं सिर्फ चम्मच से ही दूध पीने की बात सामने आई। पहले भी इस तरह की अफवाहें उड़ी थी, तब जानकारों ने तर्क सहित पूरे मामले को समझाया था। जानकारों के अनुसार मूर्तियां कई मिश्रण से बनी होती है। इसके कई मिश्रण ऐसे होते हैं जिनके तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर ऐसा ही नजारा सामने आता है। क्यों आए आप लोग मंदिर, क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने पिला के देखा, पी रहे हैं? लगी और क्या हो रहा है ये मंदिर में? क्यों लग रही है? आज सुबह करीब करीब साढ़े आठ नौ बजे से भगवान पिपलेश्वर महादेव के यहाँ पर अचानक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिलाएं बच्चे भक्त लोग सभी लोग आकर के नंदी को महादेव को जल और दूध का सेवन करा रहे हैं और सभी का चमत्कार देखते हुए महादेव भी दूध पी रहे हैं, नंदी भी पी रहे हैं। ये इस कलयुग का पहला चमत्कार ऐसा देखा गया है कि पिपलेश्वर महादेव के यहाँ इतनी भारी संख्या में भीड़ लगी है और नंदी और महादेव जल और दूध का सेवन कर रहे हैं।